How are you, dear students? I hope you all are good at your home. As we know that in any competition exam, proportion of maths is always more as compared to other subjects. किसी भी competition exam में अगर हम science stream के देखें तो हमेशा maths का proportion ज़्यादा रहता है और maths ही generally बच्चों का weak point रह जाता है जिसकी वजह से वो उसे crack नहीं कर पाते हैं. So in order to eliminate this problem, we come up with this channel. इसीलिए हम लोगों ने ये channel design किया है ताकि हम ऐसे बच्चों की help कर पाएँ जिन्हें maths समझ नहीं आती है, तो वो easily हमारे channel पर अपने chapters पढ़ सकते हैं और अपनी problems भी sort out करवा सकते हैं. So for that, I want you to subscribe this channel. आप इस channel को subscribe कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अगर video हम बनाते हैं तो आपको directly वो मिल सके. Also press bell icon so that you can get notification directly. So now, as we were discussing, our focus is on your boards, so we want to prepare you from the starting point. तो ये हमारा 12th class का topic है, that is adjoint and inverse of a matrix. तो किसी भी matrix का हम adjoint और inverse कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर एंड कोफैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. सो फॉर योर हेल्प आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ दिस टॉपिक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ से कोफैक्टर्स को समझ सकते हैं, वहाँ लिंक गिवन है. तो देखिए कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप लोग एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम एडजॉइंट की जो रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे से करते हैं, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ गिवन बाई मैट्रिक्स इट सेल्फ, यानी ये भी एक मैट्रिक्स ही आती है लेकिन यहाँ कैपिटल ए गिवन है इन प्लेस ऑफ स्मॉल ए. स्मॉल ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपने एक मैट्रिक्स बना ली कोफैक्टर्स की ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री लास्ट तक, फिर उसका ले लिया आपने ट्रांसपोज, यानी उसको क्या करना है इस मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है कॉलम वाइज, यानी रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में आपको उसको ट्रांसपोज लेना है. जब आप ट्रांसपोज लेंगे तब आपका एडजॉइंट निकल कर आएगा. तो एडजॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इनवर्स का. तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स भी हम एडजॉइंट की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं. ए इनवर्स इज गिवन बाई एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पहले आप निकालेंगे, फिर एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट ए आएगा उससे उसको आप डिवाइड करेंगे उस डिटर्मिनेंट वैल्यू से. तो यानी आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, वो मैट्रिक्स होगी इनवर्स की. यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं और उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नीचे आ रही है, यानी नीचे कभी जीरो नहीं बन सकता है, वन बाई ज़ीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो एक कंडीशन हमेशा रहेगी कि डिटर्मिनेंट ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा हमेशा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी. तो इससे आपको एक यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट मिल रहा है कि इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अब इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आप जिसको समझकर आप देख पाएंगे कि कैसे हमें निकालने होते हैं एडजॉइंट और इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के. चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल. हेयर ए मैट्रिक्स इज गिवन 2-4-3-7, इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. आपको इसका इन्वर्स निकालना है. तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम माइनर निकालेंगे, देन कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट, देन इन्वर्स. तो देखिए सबसे पहले माइनर निकालते हैं M11, यानी इस एलिमेंट का माइनर निकालना है. तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, 7 रह जाएगा, तो यानी माइनर हो गया है 7. अब हम निकालेंगे कोफैक्टर A11 इज इक्वल टू -1^2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7. नाउ माइनर ऑफ 1 2, इसका माइनर अगर हम निकालेंगे तो ये रो की कॉलम डिलीट -4. A12 इक्वल्स टू -1^3 इंटू -4, दैट इज इक्वल्स टू +4. नाउ माइनर ऑफ 2 1, दिस एलिमेंट दिस कॉलम एंड रो विल बी डिलीटेड, -3 आंसर. A21 -1^3 इंटू -3, दैट विल गिव यू +3. Now last is minor of 2 2, this column and row deleted, 2 answer. Now A22 equals to -1^4 into 2, that is equal to 2. देखिए मैंने ये डिटेल में यहाँ माइनर कोफैक्टर निकाले हैं. लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3x3 सिस्टम. तो 3x3 का भी आप इजिली निकाल सकते हैं.
इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है 2x2 के लिए, अगर आपको डायरेक्ट माइनर निकालना है तो, अगर फर्स्ट का माइनर निकालना है तो इसको डिलीट करके फटाफट आप 7 लिख सकते हैं। क्या करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट 7 आ जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डायरेक्टली कोफैक्टर्स, अगर आपको 2x2 फॉर्म के कोफैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 7 यहाँ आ जाएगा तो A11 कैपिटल A11 यानी पहला कोफैक्टर 7 हो जाएगा, 2 इधर पहुँचा दीजिए तो ये हमारा A22 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, यानी इनको आपस में इंटरचेंज करना है। और यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ A12 आ रहा है 4, इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करना है, लेकिन यहाँ साइन भी बदलने हैं इनके, ठीक है। तो यानी आपके पास A12 हो जाएगा 4, क्योंकि हमें साइन हटाना है तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगी। तो यानी ये ट्रिक है 2x2 की निकालने की, उसमें क्या करना है आपस में इंटरचेंज करना है, ये इधर ये इधर, ये भी आपस में इंटरचेंज, इनके साइन बदल जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ A21 है तो यहाँ 3 आंसर है, साइन यहाँ बदल गया है, माइनस का प्लस हो गया है। तो ये ट्रिक है फॉर 2x2, लेकिन आप ऐसे एक्सप्रेस करके कीजिए ताकि आप सभी क्वेश्चन को ईजिली समझ के कर पाएँ। तो देखिए आफ्टर गेटिंग माइनर एंड कोफैक्टर हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ गिवन बाय, आई नो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना होता है, तो कोफैक्टर A11 है 7, दिस इज 4 3 2, सो इट विल गिव मी 7 4 3 2, आपके पास आ गया है एडजॉइंट। अब निकालना है आपको इनवर्स, सो इनवर्स वी नो द फॉर्मूला, वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, एंड ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट, इट शुड नॉट बी 0। नो लेट्स कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए फर्स्ट, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ लेट्स कम टू इनवर्स, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, सो एडजॉइंट इज दिस वन 7 3 4 2, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो आई गॉट अ मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स दैट इज गिवन बाय हाफ इन मल्टीप्लीकेशन विद ईच एलिमेंट 7 बाई 2 3 बाई 2 2 एंड 1। सो नाउ इन दिस मैथड वी वॉच 2x2 द सिस्टम, नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस माइनर एंड कोफैक्टर ऑल्सो इनवर्स एंड एडजॉइंट फॉर एनी गिवन ऑर्डर, आप 3x3 का भी निकाल सकते हैं, मैथड इज सेम। So now you can share your problem in comment section regarding this topic if you have. Also you can subscribe our channel to find out